हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ तरुण का टेलीपिटारा। अब तक की सारे एपिसोड्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल सके तो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एन अपडेट। तो आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जिनको मैं आपके सामने बुलाने वाला हूँ, वो है एक एक्टर, एक यूट्यूबर और एक इन्फ्लुएंसर। उड़ान, बनू मैं तेरी दुल्हन, मधुबाला और पवित्र रिश्ता जैसे पॉपुलर टीवी शोज से उन्होंने आपके दिल में जगह बनाई है और अब वो यूट्यूब पर छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो प्लीज वेलकम स्टाइलिश एंड टैलेंटेड मनीष नागदेव। मनीष भैया, वेलकम टू तरुण का टेलीपिटारा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पे। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू फॉर योर न्यू चैनल यार। थैंक यू सो मच। सो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? माइंड ब्लोइंग, अच्छा लग रहा है। गुड हार्ड वर्क। थैंक यू। मतलब क्या फीलिंग, मतलब यहाँ आने से पहले क्या था और यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लग रहा है? मतलब एक मन में थॉट होता है ना कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो एक दिमाग में माइंड सेटअप होता है। मतलब ऐसा है कि मैं तो तुझे जानता हूँ पहले से, तो फिर यू हैव डन क्वालिटी सरप्राइज मी एक्चुअली। अच्छा किया, नाइस। खुद का चैनल खोल दिया है और यू आर इंटरव्यूइंग सेलिब्रिटीज एंड ऑल, इट्स गुड। थैंक यू सो मच। एंड मैं भी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपके यूट्यूब चैनल नागदेव वाइब्स के लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज आप स्टार्ट कर रहे हो। ट्रैवल व्लॉग्स ला रहे हो, एक अलग अलग, एक अलग इनोवेशन है। मतलब एक्टिंग से हटकर एक नई फील्ड है। आई एम रियली लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच। सो आर यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द एपिसोड? ओह यस, 100% फुल ऑन एनर्जी एंड धमाल मचाओगे आप। फुल एनर्जी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, जिसका नाम है स्नीक पीक। ओके। यानी कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ ताका झांकी करने वाला हूँ, कुछ ऐसे फन एलिमेंट्स आपके अंदर से निकालने वाला हूँ, कुछ ऐसे सवालों के जवाब, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो सकती है, चाहे वो फन एलिमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ भी मजेदार। डन डन। तो यू रेडी? देखते हैं क्या क्या निकालते तू। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुश करती है जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हो? सलमान खान के गाने। जैसे कि कौन सा वाला? कोई भी, मतलब उजाले जाना, अरे रहा ये, अरे रहा वो, मतलब कुछ भी अगर ऐसे बच जाए, सलमान खान सामने दिख जाए और कोई अच्छे गाने वाने बच जाए, तो मुझे आई फील गुड, आई फील एनर्जेटिक। ओके, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। मतलब सलमान खान को देख के आपको एक एनर्जी आ जाती है अंदर। 100% नो डाउट। ग्रेट। तो अगला सवाल है, व्हाई व्लॉगिंग इज बेटर देन एक्टिंग? मतलब ऐसा क्या है व्लॉगिंग में जो एक्टिंग से बेटर है? To be honest, vlogging is not better than acting or acting. We cannot compare both of them because बहुत ही अलग अलग category हो गई। Acting में सब कुछ pre-planned रहता है, हमारे पास सब चीजें जैसे हमने लिखी हुई हैं, पता रहती है हमें ये करना। Vlogging becomes tougher because अगर आप vlog कर रहे होते हो तो आप, जैसे कि मैं जब vlogging करता हूँ तो मैं खुद करता हूँ, everything is me, like I am the director, cinematographer, editor, photographer, marketing, publicity, जो भी करना है मुझे ही करना है, content मुझे ही create करना है, तो वो चीजें tough हो जाती है। As an actor क्या होता है, जैसे भी अभी पहले मैं when I used to shoot, I used to go like, वो बोलते रहे ये करो, क्यों करना है, ऐसा नहीं चलता है, अरे पागल, ये नहीं चलता। पर आज लगता है कि जो वो लोग बोलते थे ना कि वो चलता है इसलिए बुलवाते थे, आज मैं वो सब चीजें अपने खुद के पैकेजिंग में डालता हूँ। तो vlogging is more of a filmmaking, लेकिन वो आप उसकी कैटेगरी filmmaking नहीं बोल सकते, उसकी कैटेगरी छोटी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोसीजर वही है। सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से काफी ज्यादा चर्चों में रहे हैं और हमेशा न्यूज में छाए रहते हैं, तो आई थिंक ऑडियंस भी अब जानना चाहती है कि व्हाट इज योर करंट रिलेशनशिप स्टेटस? माई स्टेटस इज आई एम वेरी मच कमिटेड, ऑलमोस्ट मैरिड। ओके, तो कब हमें सुनाई दे रही शादी की घंटियां? फिर शादी की घंटियां मतलब बहुत जल्द बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ी वो कोविड चालू हो गया था, बीमारियां फैल गई थी, मास्क पहनना पड़ रहा था, तो फिर मैं कुछ वक्त कर ही नहीं पाता, इसलिए मैंने शादी नहीं करी। Okay. तो भी शादी करेंगे हम, मुझे बुलाओगे ना? सोचूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेचुलेशंस इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है आप सबको भी। यस।
तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमने ये तो सुन लिया कि शादी की घंटियां कब बजने वाली हैं, पर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जितना मैंने सुना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अगले 3 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? अगले 3 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ? अगले 3 साल में मैं देखता हूँ कि जितने भी जो मेरे को एक्टर्स थे वो मेरे लिए काम कर रहे होंगे। ओके बढ़िया, आपके अंदर एटीट्यूड भी सलमान खान वाला ही है, मतलब आप उसको फॉलो करते हो। मुझे लग भी रहा है इसमें सलमान खान से बात करूं ऐसे है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कहां हुआ, आप कर दो क्या किया मैंने अब तक। ओके, तो हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर यूट्यूब चैनल नागदेव वाइब्स? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन तरुण। नागदेव वाइब्स एक्चुअली कुछ इस तरह से आया कि हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो जिसने है ना उस टाइम पे वो नाम दिया था नागदेव वाइब्स। ओके, तो मैंने बोला कि नाम अच्छा है और उससे मैंने कनेक्ट इसलिए बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन माय डे टू डे लाइफ और इवन इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स रिटन ऑन मी फॉर मी कि बहुत लड़कियों ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ हो गया, कुछ छप गया, छुप गया। तो वो क्या ना, वो क्लैरिटी नहीं होती है प्लेटफॉर्म्स पे, वो जो लिख देते हैं मैंने किस पे बोल दिया, नो कमेंट्स, किस में क्या हो गया। तो आई वांटेड टू शो माय पर्सनालिटी ऑन माय चैनल एंड आल्सो आई वांटेड टू स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स थ्रू ट्रैवलिंग और यू नो थ्रू डूइंग थिंग्स जो कुछ सिखा सकती हैं, कुछ समझा सकती हैं या कुछ आप इनडायरेक्टली सीख लो मुझसे, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, 12 साल से 13 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा समझा और उसको फिर मैं व्लॉगिंग में लेकर आना चाहता हूँ। और मैं पिछले 1 साल से उसी पे काम कर रहा हूँ कि एक मोमेंट लेकर आना चाहता हूँ अपने चैनल पर कि जहाँ पर एक एक चीज, एक एक शॉट, एक एक सीन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीखते हुए निकल सकते। अगर आप कुछ व्लॉग देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ कुछ बनना है या कुछ करना है तो हम इसमें से कुछ ले सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसी चीज आपने शुरुआत की, भले ट्रैवल हो या और भी चीजें आप बीच में लाने वाले हो, तो उसके लिए आपकी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आई थिंक क्यूरियस होगी नई नई चीजों को लेकर, आप अलग अलग एक्साइटिंग चीजें लेके आओगे अपने ब्लॉग्स में, तो दैट्स वेरी नाइस। इस राउंड में काफी ज्यादा मजा आया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हमें मिले, कुछ खुशखबरी भी अभी सुनाई दी और बहुत मजा आया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ जिसका नाम है वुड यू रादर, जिसके अंदर मैं आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस दूंगा और आपको उसके अंदर एक जवाब देना होगा कि अगर ये नहीं तो वो आप क्या चूज करना चाहोगे। अच्छा, तो आर यू रेडी फॉर इट? या ओके, वेरी मच। तो पहला सवाल है, वुड यू रादर रीडायरेक्ट योर लीस्ट पॉपुलर शो और एक्ट अगेन योर मोस्ट पॉपुलर शो? एक्ट अगेन इन माय मोस्ट पॉपुलर शो। मैं नो व्हाई, because hit is hit, which is good, you should always follow the good. I mean, जो चीज सही नहीं हुई थी तो उसको पीछे टाइम क्यों वेस्ट करना, जब एक चीज चली है तो उसके ऊपर चलते रहो। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो अगला सवाल है, would you rather be a co-actor in your favorite Salman Khan's top movie or lead in television series? Salman Khan's flop movie. No, यार आपको लीड मिल सकता है मतलब अपने टेलीविजन सीरीज में, पर आप फ्लॉप मूवी में सलमान के साथ लीड मिल सकता है, वो उनको चाहिए ना जिन्होंने नहीं करे, मैंने करे हैं, बहुत कर लिए। हाँ। मैंने जो नहीं किया मुझे वो करना है, कि सलमान क्या पता सलमान की जो फ्लॉप फिल्म थी उसमें मैं घुस गया तो हिट हो जाए तो सही बात है, सही बात, मेरे भी तो स्टार समझी। आप दोनों के स्टार कोलाइड होके एकदम से बूम हो जाए तो बूम बूम, आप अभी थाईलैंड। ओके, हमारा अगला सवाल है, Would you rather play a part of Anuj Kapadia or Vanraj Shah in television series Anupama? Gaurav Khanna na Anuj Kapadia? Humne saath mein kaam kiya hai, dost hain. No. My mother is a big fan of Anupama. और अगर कोई कैरेक्टर अगर आएगा या कुछ नया रोल आएगा तो फिर मैं वो करना पसंद करूंगा, मैं कोई किसी को रिप्लेस या कुछ। बट एक ऐसा होता ना कि एक जैसे एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, हाँ। तो एक ऐसे मन में होता ना कि हम इसकी जगह होते तो बेटर कर सकते हैं, हाँ। या कुछ ऐसा, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव करता हूँ। ओके, बिकॉज आई लव डूइंग नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव करने में क्या ना फिर लोग आके बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नेगेटिव में जो बोलना है जो करना तो है अपने खुद के शेयर होते हो आप जो करना, तो मुझे वो पसंद है कि भाई डायरेक्टर आके बोलना ही चाहिए यहाँ पे यहाँ से वहां तक बोलना है नहीं, अगला सवाल है, वुड यू रादर बी अ नॉन पॉपुलर बिग बॉस विनर और अ पॉपुलर बिग बॉस कंटेस्टेंट, एंड गिव मी द रीजन व्हाई। पॉपुलर बिग बॉस कंटेस्टेंट। ओके, क्यों?
ऑफ कोर्स अगर आप बिग बॉस में जा रहे हो या कोई ऐसा कोई शो कर रहे हो तो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, अपना नाम छोड़ना बहुत जरूरी होता है। आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो, शो हिट हो, फ्लॉप हो, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं लोग जो खराब भी करते हैं अच्छा भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हो वो मैटर होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि पॉपुलर इन नॉन पॉपुलर शो, मतलब आपको ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है। ट्रॉफी तो मिल जाएगी बाहर से मुझे सब नहीं मुझे नहीं मतलब सच में नहीं, ऑनेस्टली मेरे लिए मैटर करता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कितनी इज्जत मिल रही है, वो मैटर इम्पोर्टेंट। अब बाहर तो इज्जत के साथ बाहर आना जरूरी है, मतलब पीपल लोग डिफरेंट होते हैं इन चीजों में, प्रायोरिटीज में, कि किसी किसी को कुछ भी चलता है, उनको खाली ट्रॉफी चाहिए होती है, आई रिस्पेक्ट दैट, पर मुझे ट्रॉफी की इतना वो लालच नहीं है। अगर आप खुद अच्छे हो तो लाइफ ही ट्रॉफी बन जाती है। बिल्कुल। ओके, तो हमारा अगला सवाल है, वुड यू रादर वियर द सेम अंडरवियर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और सेम सॉक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ? सेम अंडरवियर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, आगे पीछे नहीं करके पहन सकते, और क्या, और सेम सॉक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ? फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ व्हाई विल आई डू दैट? करना है, मतलब ये ऑप्शन क्यों करना है आपको? क्यों कर, मैंने पूछा, फिर कॉफी लगी है। बताओ यार जवाब, तो मैंने पूछा, आपको बताना पड़ेगा। सॉक्स पहन लूंगा यार पूरे महीना, और क्या, पक्का? हाँ पक्का, मैं क्यों पहनूंगा अंडरवियर खुद का एक हफ्ते तक? पर वो सॉक्स जो घर में रहने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे, तो उनकी उनके ऊपर मुझे क्या करना है? अब मैं तो बचा रहूंगा, वरना गंदा कच्चा पहन के घूमता रहना पड़ेगा मतलब एक हफ्ते तक, है ना, बेटर है ना? तू व्हाट विल यू डू? सेम अंडरवियर ना? आई नो क्योंकि वो बाहर नहीं, किसी को पता चलेगा ना, खुद को मालूम पड़ेगा उसका क्या, मैं उल्टा करके पहनूंगा। चलो ठीक है, मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे, पूछा आपने नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, इस राउंड का आखिरी सवाल है, वुड यू रादर स्टक इन एन एलिवेटर विद ऑल ऑफ योर एक्सेस और हैव अ मेजर फाइट विद योर लव्ड वन? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि क्या आप हिंदी हिंदी मुझे इंग्लिश नहीं आती, प्लीज बताओ, क्या आप एक एलिवेटर में अपनी सारी एक्सेस के साथ स्टक होना चाहते हो या तो अपने लव्ड वन के साथ कोई फाइट हो जाए उसके लिए? Can I pass the question? No, you can't. with a loved one. Okay. Yeah. तो वो मना लोगे बाद में? हाँ। Sure. हाँ। ठीक है। हाँ। काफी अच्छे जवाब थे, बीच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवालों के। अच्छा, I want to ask you one question. Yes. Supposedly, tomorrow, if you don't have any clothes, and you have to go out, and there are only three leaves. One for the frontal side and two for the back. And you have to only wear one. Like you either can cover the frontal side or the back side. What will you do? I'll go with the frontal one. क्योंकि आजकल पीछे का फैशन बहुत लोगों ने दिखा दिया, रणवीर सिंह भी दिखा चुका है, so I don't mind doing that. तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड राउंड की तरफ जिसका नाम है ट्रैपिड फायर। आपने रैपिड फायर तो सुना होगा ना? हाँ। पर ये ट्रैपिड फायर कौन सा है? क्योंकि मेरा शो है तरुण का शो है ना, तो ट्रैपिड फायर है। वाह तरुण, ट्रैपिड ट्रैप हो सकते हो आप, ट्रैपिड फायर। हाँ, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर सोच समझ के ऐसे ढीले ढाला बन के अगर आपने जवाब दिया तो आप ट्रैप हो सकते हो। आपको जवाब एकदम चुटकियों में देना है, ना ही लंबी एक्सप्लेनेशन, एकदम जो मन में आ रहा है, जो जबान पे है, रोकना नहीं है, बोल देना। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट गो टू पार्टी आउटफिट? गो टू पार्टी आउटफिट, मतलब कोई ऐसा आउटफिट जो आप कहीं भी पहन के जाओ तो मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं बढ़िया लगूंगा। ब्लैक शर्ट। ओके, ऐसे करना था? नहीं, मैंने वो आपको सिर्फ गेस दिया। अच्छा, ऐसा मैं बोला तो मैं चुटकी बजाई, आप बजा भी सकते हैं। ओके, ब्लैक शर्ट। ठीक है, चलो अगला सवाल है, हुम डू यू एडमायर द मोस्ट इन टेलीविजन फ्रेटर्निटी? इन टेलीविजन फ्रेटर्निटी I admire Sudeep Sahir. Okay. I admire Shahid Malhotra. Okay. I admire Devendra Tripathi. I admire Kamya Punjabi. A big list. Okay. मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा शायद अभी आप चुप हो जाओगे। Good people. I love them. Even Abhinav Shukla. True. They are like they are people. Those are good people. That's why I admire them. Otherwise, not as in like in that zone. बढ़िया। तो अगला सवाल है, any Salman Khan Bollywood remake you want to be a part of? Wanted. Wanted. क्यों? Because I think मैं मुंबई से हूँ पहली बात तो,
अंडरवर्ल्ड सब, मतलब मेरे पापा सब, मेरे दादा सब लोग देख चुके हैं, मैं चिंबूर में रह चुका हूँ, वो टपोरीगिरी, वो सब, वो जो चीज़ें हैं वो स्टाइल, वो सब चीज़ें मैं अच्छे से कैरी कर सकता हूँ थोड़ी बॉडी बनाने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द हैशटैग्स टू द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, मतलब जिन जिन का नाम लूंगा उनका नाम सुनते ही जो आपके मन में सबसे पहला हैशटैग आया दिमाग में वो आपको बताना है, ठीक है? अरे बाप रे, मुझसे मत पूछिए सर, आपसे ही तो पूछना है, मैं कब से बेताब था पूछने के लिए। बोल बोल पूछ ले। ओके, काम है पंजाबी। हां ये नहीं था हैशटैग, चीज हैशटैग, हां काम है पंजाबी हैशटैग, बहुत गहरा गहरा वर्ड कोई है क्या, डीप वर्ड हैशटैग, गहरा हैशटैग, गुड सोल। ओके, अपर्णा दीक्षित। हैशटैग गुड काउंसलर। ओके, अपर्णा शाह। वो कौन थी? जतिन शाह, अपर्णा शाह। अपर्णा दीक्षित। अच्छा, अपर्णा दीक्षित के बारे में बोला? नहीं नहीं, अपर्णा दीक्षित इज अ वेरी गुड फ्रेंड, हैशटैग गुड फ्रेंड। ओके, अपर्णा शाह गुड काउंसलर। ओके, दिव्यांका त्रिपाठी। हैशटैग अमेजिंग पर्सनालिटी। ओके, ज्योति सेठी। हैशटैग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ओके, मल्लिका जुनेजा। Hashtag love. Okay. Great. Great. Okay. Any recent project you regret doing it? कोई ऐसा project जिसको आपको लगा कि यार मैंने क्यों कर लिया? हाँ, अभी अभी मैंने एक short film करी थी, कोई तुच्छी सी। अच्छा। हाँ, बहुत मुझे ऐसा पछता हुआ क्योंकि क्या मैं थोड़ा वैसे सलमान को इतना follow करता हूँ ना, तो हो कैसा होगा, हाँ लोग क्या करना, हाँ okay okay done done। अच्छा अच्छा। कुछ पूछता नहीं हूँ मैं कि मैं उन्हें मैं करूँगा, अच्छा करूँगा। okay. और मुझे ऐसा अक्सर मुझसे ऐसा होता है जब मैं सेट पे पहुंचता हूँ, मैंने क्या कर दिया, मैं कहाँ आ गया। वैसे मैंने वो देखी है, I want to be more particular in choosing projects. I'm going to. I think you should. मैंने देखी है वो शॉर्ट फिल्म अभी रिसेंटली। है ना? अभी तो फिर से मत देख। नहीं। उसको जाने निकलने दे। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलीवुड एक्टर एंड टीवी एक्टर इज ओवररेटेड अकॉर्डिंग टू यू इंडिविजुअली? आपको दोनों का एक एक नाम, बॉलीवुड एक्टर एंड टीवी एक्टर, दोनों एक एक नाम लेने हैं आपने कि बॉलीवुड में कौन ओवररेटेड है एंड टेलीविजन में कौन ओवररेटेड है। यार मुझे ऐसा लगता है, मैं इसके बारे में मतलब मुझे लगता नहीं कोई ओवररेटेड होता है या अंडररेटेड होता है, हर एक अपनी किस्मत की खाता है और अपनी काम करता है, अपनी मेहनत करता है, और जिसके पास इतना दिमाग होता है उसको उतनी कुछ चीज़ें मिल जाती है, अपनी मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं तो ओवररेटेड हो जाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो अंडररेटेड हो जाते हैं, और कुछ कुछ करते तो हम जैसे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब बना रहे होते हैं, अच्छे लोग जो ईमानदार तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, व्हाई डू यू नो से ओवररेटेड टू समवन और अंडररेटेड। वो उनका ऐसे कुछ लोगों से सवाल पूछा जाता है, वो सेफ खेल लेते हैं, लंबी बातें बोल देते हैं, जवाब नहीं देते आपकी तरह। बिल्कुल, मैं सलमान के साथ में शाहरुख का भी फैन हूं, पर जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि दिया ना जवाब, पांच बंदे का भाषण नहीं चाहिए मेरे को जवाब चाहिए, आप बताओ। ओवररेटेड कौन, कुछ ऑप्शन दे सकते हैं मुझे आपके जो दिमाग में आ रहा है? ओवररेटेड एक्टर कौन हो सकता है यार, ओवररेटेड एक्टर मैं तो बोलूंगा कंगना रनौत। ओके, मुझे ओवररेटेड लगती है। ओके, ठीक है। एंड टीवी में? और टीवी टीवी में टीवी में है शशांका देवी। शशांका देवी जो आज के 3 साल पहले एक शो था, बहुत बड़ा शो था जिसका कुछ नाम नहीं था, कोई ऐसे बंदी कोई एक्टर नहीं है वो, ठीक। तो अगला सवाल है, रेट इन अ ऑर्डर इन अ बेटर एक्टिंग स्किल्स, ठीक है? दिव्यांका त्रिपाठी, कामे पंजाबी, विवा आनंद, आकांक्षा जुनेजा। So funny question. Very funny जवाब दो। You keep them like this only. Same order. No, tell same me. order. बाबा इसमें same order. I don't remember मैंने क्या बोला, आप बोलो। ये actually मैं कहना, ये जो आप लोग करते हो ना, ये जो करण जोहर से जो शुरुआत हुई है, इसमें हमारी बहन बजती है कि कामे पंजाबी मेरी बहुत ही जिगरी दोस्त है और बहुत ही खतरनाक एक्टर है, और दिवंगत त्रिपाठी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो मैं दोनों को नंबर 1 पे रखना चाहूंगा पहली बार। ओके, और बाकी नाम क्या? आकांक्षा जुनेजा, विभा आनंद। विभा आनंद एंड आकांक्षा जुनेजा, विभा आनंद एंड आकांक्षा जुनेजा टुगेदर। ओके, ऑल तभी मैं चाहती कि थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो, आप तो सबको एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया आपने, कुछ रैंकिंग दे दो यार। रैंकिंग कैसे दूंगे बताओ? दो दिया, दिव्यांका त्रिपाठी, कामे पंजाबी, विवाह आनंद, आकांक्षा जुनेजा, जो सेम रैंकिंग इसने करी थी अपने हिसाब से वही है, ठीक है। नाउ इन मेल,
गौरव खन्ना, शरद मल्होत्रा, जतिन शाह, शालीन भानो। गौरव खन्ना, शरद मल्होत्रा, शालीन भानोत और जतिन शाह। जतिन शाह, शरद मल्होत्रा, शालीन भानोत, गौरव खन्ना एंड जतिन शाह को बोलते। जतिन शाह इज अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन अभी रैंकिंग करनी है इसलिए। आई अंडरस्टैंड। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम एनी मेल सेलिब्रिटी यू वोंट माइंड किसिंग ऑन स्क्रीन। श्रद्धा आर्या, शैनी जोशी, चैनल बन गया। ठीक है। Question 8. If you wake up as the following personality, what you will be doing first thing in the morning? अगर आप इस ऐसे मतलब जो मैं नाम लेने वाला हूँ, अगर आप वो बन के सुबह उठोगे तो क्या आप करोगे सबसे पहले सुबह उठ के? ठीक है। राखी सावंत। मैं ताला लगा दूंगा। तो राखी सावंत तो आपने बता दिया। सलमान खान। ऐसा करना पड़ेगा सुबह उठ के। हाँ, अगर मैं सलमान, वाओ यार, भगवान ऐसी किस्मत दे देगी सलमान बन के घूमूंगा सुबह को, तो मैं टॉवल भी नहीं पहनूंगा, मैं तो फुल नेकेड घूमूंगा भाई। रास्ते में भी ऐसे घूमूंगा, साइकिल भी ऐसी करूंगा। हाँ क्यों, वो भी क्यों पहनना शॉर्ट भी भाई, इतनी अच्छी बॉडी है, इतना अच्छा गुड लुकिंग पर्सन मतलब पैदा रहूंगा, तो फिर क्या पहनना, कुछ भी नहीं पहनना, मैं ऐसे घूमूंगा। सोच लिया तू, खाली मुझे बना सलमान, तू देख पूरी लाइफ अनसेंसर्ड। अरे पूरा, हाँ और क्या, क्यों करना है वो सब, देख लो इनको। I am the next सलमान का नाम प्लीज देख ले। ओके, उर्फी जावेद। मैं उठूंगा और सोचूंगा मैं फिर सो जाऊं। मुझे नहीं बनना। नहीं बनना मुझे उर्फी जावेद। दर्जी के पास जाना चाहोगे आप दोबारा? मैं दर्जी बनना पसंद करूंगा। अच्छा, जाऊंगा नहीं उसको, दर्जी मैं दर्जी बनके मेजरमेंट लेके बना सकता हूं। आई एम गुड इन टेलरिंग। ओके, ग्रेट। पारस छाबड़ा। पारस छाबड़ा बनकर मैं वो करूंगा म्यूजिक वीडियोस। बस म्यूजिक वीडियो करता रहूंगा बस, जैसे वो कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐप बना कर अपने वाले आगे बस मोटू। ओके, हु इज योर लीस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट? लीस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट। लीस्ट फेवरेट तो वो एक था ना यार, बहुत ही बड़ा, यू सॉ मी होम। अच्छा, उसको नाम भी मुझे याद है, बहुत बड़ी बात है। और मोस्ट फेवरेट, मोस्ट फेवरेट में एक तो है हितिन तेजवानी। okay. जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसने बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सोना के साथ में पूरा बिग बॉस खेला। उसको सलमान खान ने भी रिस्पेक्ट दी थी पूरे शो में, पहली बार मैंने देखा था। और दूसरा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मुझे बिग बॉस में लगा है सिद्धार्थ शुक्ला। ऑफ कोर्स आई लव दैट मैन आफ्टर बिग बॉस ओनली, एक्चुअली वी वर फ्रेंड्स, मतलब हम लोग दोस्त हैं थे तो, लेकिन बिग बॉस में जब मैंने उसको देखा, द काइंड ऑफ मैन ही इज, आई रियली लाइक्ड इट। मतलब दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ गर्ल? मतलब जब ऐसी क्या चीज है जो आप नोटिस करते हो जब एक लड़की चल के आती है? ये मत बोलना आगे, डिपेंड करता है कैसे आ रही, मतलब वो पीछे से जा रही है आगे से आ रही है? आगे से आ रही है। आगे से आ रही तो आगे, मैंने कहा था आंखों के अलावा। तू क्या देखता है ऐसा दूर से इतना? मैं उसकी स्माइल देखता हूं। तू स्माइल करती हुई आएगी? मुझे देख के स्माइल आ जाती होगी। ओ माय गॉड, चलो सलमान भाई आप तो बताओ कुछ। हर ओके, आखिरी सवाल इस राउंड का ये है कि ऐसी पहली क्या चीज आपके दिमाग में आई थी जब आपने ये नाम सुना, तरुण का टेलीपिटारा? तरुण का टेलीपिटारा, मुझे काफी अच्छा लगा ये नाम पहली बार, तरुण का टेलीपिटारा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं, बातें बोलते हैं, वो सारी एक पिटारे में जाती हैं, और फिर एक तरफ से जो ब्लॉग बन रहा है वो पिटारा ही हो गया, तो सारी स्टोरीज हर एक के जो डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पर आएंगे, उनकी कहानियां, उनके उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स इसमें आ जाएंगे, तो इट्स अ वेरी गुड नेम, आई रियली लाइक इट।
तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ राउंड यानी कि जो कि है गेम राउंड इस एपिसोड का, जिसका नाम है सुन रहा है ना तू। अच्छा, मतलब ये कि एक विस्पर चैलेंज है। जैसे कि आपने यूजुअली देखा होगा, आपको हम ये हेडफोन्स पहनाएंगे जिसके अंदर गाने चल रहे होंगे और आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, और मैं जो लाइंस आपको बोलूंगा वो आपको मेरे लिप्स रीड करके बताना होगा क्या है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इतने मस्त गाने चल रहे हैं, ये पूरे मदहोश हो चुके हैं कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है। हेलो, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? कुछ बोल रहा हूँ मैं, कुछ बोल रहा हूँ सुन ना है आपको। ठीक है, हाँ। अब पहला लाइन है, कम खेल रहे हैं। हाँ, स्टार्ट हो गया। मेरा 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 पैंट कोट, पैंट कोट, मेरा पैंट कोट, गाड़ी को दे रहा है पैंट कोट। हाँ, पैंट कोट, पैंट, पैंट कोट, मेरा लंगोट। पैंट क्या दो कर से, तू पैंट क्या, पैंट कोट, पैंट कोट, लंबा है। हाँ, लंबा है, डंबल, लंबा है, डब्बा, दिमाग नहीं, लंबा है, लंबा, डंबा, लंबा, डब्बा, लंबा, रब्बा, रब्बा प्लीज, लंबा, लंबा, जब्बा, अब्बा टब्बा चब्बा नहीं हो रहा है, अब्बा टब्बा चब्बा नहीं होता, लंबा, जब्बा, लंबा, लंबा, तम्बा, लंबा, ठप्पा, ठप्पा ठप्पा ठप्पा, अरे लंबा, डब्बा, अबे नाम चेंज कर क्या है ये, लंबा, हाँ, लंबा, लंबा, लंबा है, लंबा है, मेरा पैंट कोट, मेरा पेटी कोट, पैंट कोट, मेरा पैंट कोट लंबा है। परफेक्ट, वेरी नाइस। सेकंड लाइन, गर्मियों, गर्मियों, जबरियों, गर्मियों, 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 गर्मियों की, की, छुट्टियां, 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 गर्म, छुट्टियां, हाँ, छुट्टियां, अच्छी, अच्छी, आती है, अच्छी, असली, अच्छी, हकली, अच्छी, हसी, अच्छी, गर्मियों की छुट्टियां, अच्छी, अच्छी, होती, होती है, बहुत बेकार होती हैं, अच्छी होती है, नहीं अच्छी होती है। क्या लाइन है पूरी बोलो, गर्मियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां अच्छी होती हैं, वेरी नाइस, पर नहीं होती हैं, इतनी गर्मी होती है, वो तो अभी भी लग रही है। थर्ड, लकड़ी की काठी, लकड़ी की, अरे बोल तो सही है, हैंग क्या कर रहा है, लकड़ी, लकड़ी, लड़की, लकड़ी, 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 लकड़ी की काठी, काठी में घोड़ा, आपने तो पहले ही पूरी लाइन बोल दी, वेरी नाइस, यही है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लकड़ी की, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, मैं घोड़ा, आप घोड़ा नहीं, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, काठी पे घोड़ा, काठी पे, पे, बे, पे, अबे, पे, अबे, पे, अबे, पे, बे, पे, बे, पे, बे, पे, लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, काठी पे घोड़ा, मैं नहीं, बे, पे, बे, मैं, पे, बे, पे, बे, पे, मे, पा, बा, पा, बा, बोल, पा, पा, हाँ, पा, 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 अब बोलो पूरा, लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी, काठी का, काठी पे, काठी पे घोड़ा, हाँ, वेरी नाइस, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, ठीक है। ओके, तो बहुत ही अमेजिंग राउंड थे, बहुत फन क्वेश्चंस थे, आई होप आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे, मतलब क्या एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने एक्चुअली मैंने बहुत सारे बारी ऐसे इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हैं, पर ऐसे प्रॉपर एक ऐसे क्या बोलते हैं वो बैठ के गेम्स खेलना, लाइक टॉक शो, टॉक शो का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इट वाज अ गुड शो, आई एम वेरी ग्लैड। और जाने से पहले मैं, मतलब मैं नहीं,
रेसिपी कप आपके लिए कुछ लेके आया है। रेसिपी कप? यस। व्हाट्स दैट? शो मी। ए वाओ। रेसिपी कप की तरफ से आपके लिए छोटा सा हैम्पर। तो रेसिपी कप एक होम शेफ्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वो घर बैठे अपना होम कुक फूड इस ऐप के थ्रू सेल कर सकते हैं और हम लोग घर बैठे घर का बना खाना दिल से एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। मतलब मैं घर बैठ के होम कुक फूड ऑर्डर कर सकता हूं। यस। और ये जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वाओ दैट्स गुड यार। पहले मैं ही ऑर्डर करता हूं। बस इतना ही नहीं, एक और चीज है आपके लिए। अच्छा और भी है? ओके। AMG वोडका की तरफ से आपके लिए लग्जरी एडिशन वोडका। ये नॉर्मल वोडका नहीं है, ये 7 टाइम डिस्टिल्ड है और ये बाकी वोडका से बहुत अमेजिंग है। यू शुड ट्राई इट। आई नेवर ड्रिंक सो बट यू शुड ट्राई। श्योरली कीप इट एट होम एज अ बॉटल। इट्स अ नाइस बॉटल। ग्रेट। Yeah. एक और चीज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, मतलब इस शो पे आने के लिए आपके लिए छोटा सा मतलब क्यूट सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। आपके लिए क्यूट सा मग। बस इतना ही नहीं, इसके अंदर आपकी फोटो भी है। वाओ, ये अच्छा है, अमेजिंग लगा मुझे। थैंक यू सो मच। और ये मतलब जब भी ऐसा मैं बाहर रहूंगा तो ऐसे, और जब मुझे किसी को अपने आप को दिखाना होगा तो मैं ऐसे। आप घुमा घुमा के पी लेना ना। ऑफ कोर्स मैं राइट भी हूं, लेफ्ट भी हूं, नो आई नो आई नो। एक और चीज आपके लिए दे दे। अब इतना कुछ दे दे तो वो क्यों रख रहा है? ओके। बियॉन्ड लक्स की तरफ से ब्लैक टर्मुलिन सोए कैंडल्स हैं ये बाय आकांक्षा चोपड़ा। ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, आप इसको घर बैठे जब भी आपका कभी मूड डल है तो आप इसको लाइट कर सकते हैं। पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम देयर साइड। वाओ दैट्स सो गुड। ब्लैक टर्मुलिन, इसके अंदर स्टोन है, एक जो रियल स्टोन है, जेम स्टोन जो इसके अंदर इन्फ्यूज है और ये एक्चुअली वर्क करता है। मैंने खुद यूज किया। ये स्टोन बढ़िया। तो ये थे हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट और मेरी तरफ से। तो अब हम इस एपिसोड के एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप आपको आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप तरुण के टेलीपिटारा की ऑडियंस को कोई मैसेज दो और बताओ कैसा लगा। मुझे शो में बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत पसीना आ रहा है। एक मिनट में जरा ब्रेक ले लेता हूँ। बहुत बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। थैंक यू फॉर दिस वाउचर्स, ये गिफ्ट, रेसिपी कप, बियॉन्ड ल्यूक्स, लक्स, बियॉन्ड लक्स, रेसिपी कप, AMG कार्बन, मेरा मग, दिस मग, तरुण का तरी पिटारा, वाओ दैट्स सो गुड, और मेरे फोटो सबसे हैंडसम। थैंक यू तरुण, और तेरा शो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, फैंस, फ्रेंड्स जो भी हैं, आप लोग इसी तरह प्यार करते रहो, फैलाते रहो, सब कुछ देखते रहो, मजे करते रहो, एंजॉय करते रहो, बोलता रहूंगा, खत्म नहीं होगा, चलो वापस। तो आई होप आपको ये एपिसोड आज का बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। तरुण खुराना साइनिंग ऑफ। बाय बाय।